एक गांव में दो झोपड़ी थी, दो दोस्त रहते थे। बड़ी मुश्किल से कुछ गुजारा होता था। कई बार दोनों के घर में ऐसा होता था कि फाका हो जाता था, खाना नहीं बनता था। हालात ऐसे थे। एक झोपड़ी वाले को एक श्याम का प्रेमी मिल गया। वो उसे बोला खाटू चल, और वो उसके साथ चला गया। जो श्याम प्रेमी था वो हर महीने 11 को खाटू जाता था। वो अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया। वो खाटू गया, जाने में आने में, और खाटू के अंदर में उसने इतनी धूम देखी, उसे खूब मजा आया। बाबा के दरबार से आया, पता नहीं बाबा ने कौन सा एक कृपा कर दी उस पर, उसको कोई काम मिल गया। क्या तो अगले रोज का इंतजाम के लिए सुबह कुआं खोदना पड़ता था। उसके पास ऐसा काम मिल गया कि एक महीने के खाने का एडवांस हर समय उसके पास घर में रहने लग गया। वो अगले महीने अब उसने सोचा कि खाटू वाले के जाऊंगा। उसने पता किया बस के, तो पता चला कि गांव के बाहर से 10-12 किलोमीटर बाहर हाईवे से कोई बस मिलेगी, सुबह बस मिलेगी, और वो बस रिंगस पहुंचाएगी। वो घर से निकला, लेकिन उसने क्या किया, अपने पड़ोसी झोपड़ी वाले का दरवाजा खटखटाया, पूछा भाई खाटू चलेगा? उसने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। वो बस पकड़ के चला गया खाटू। वहां से आने के बाद में 6 महीने का जुगाड़ हो गया। अब वो हर महीने जाने लगा, लेकिन वो जब भी जाता बगल वाली झोपड़ी वाले का दरवाजा खटखटा के जाता, खाटू जाएगा? नहीं 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 जाना। जब भी खाटू गया वो हर महीने बाबा ने कृपा करनी शुरू कर दी। अब उस पर कृपा हो गई, झोपड़ी की जगह उसने दीवार बन खड़ी कर ली, छोटा सा एक मकान बन गया, एक कमरे दो कमरे का मकान बन गया। खाटू जाना नहीं छोड़ा, हर बार जाता बगल वाले को बोलकर जाता, बगल वाला मना कर देता। अब बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने गाड़ी दिलवा दी उसको। एक रात को सोया था, अचानक आधी रात को उसकी नींद खुल गई। 11 के पहले दिन, दसवीं के दिन सुबह सुबह 11 को खाटू जाना, दसवीं की रात को उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि मैं बस का इंतजार क्यों करूं, अब तो बाबा ने गाड़ी दे दी है, अभी गाड़ी लेकर चलता हूं, सुबह पहुंच जाऊंगा। उसने रात को 2 बजे ही थैले में दो एक जोड़ी कपड़ा डाला, और गाड़ी की चाबी उठाई, दरवाजा बंद किया, और गाड़ी में बैठने लगा। पड़ोसी की याद आई, रात को 2-2.5 बजे उसकी कुंडी खड़खड़ा दी। वो आंखें मलते मलते आया, उसने पूछा भाई क्या हुआ? बोले खाटू चलेगा। अब की बार उसके सब्र का बांध टूट गया। अरे क्या खाटू चलेगा, खाटू चलेगा, खाटू चलेगा, हर महीने आ जाता है, खाटू चलेगा, खाटू चलेगा, मुझे पता है तेरे ऊपर जो कृपा हुई है वो उस खाटू वाले के कारण हुई है, लेकिन मैं गरीब हूं, गरीब हूं, भिखारी नहीं हूं, स्वाभिमानी हूं, मैं भी जाना चाहता हूं तेरे खाटू वाले के पास, लेकिन किसी से भीख मांग कर नहीं जाऊंगा जिस दिन तेरा खाटू वाला, क्योंकि खाटू जाने का किराया लगता है, आने का किराया लगता है, वहां धर्मशाला में किराया लगता है, खाने पीने का लगेगा, मैं भिखारी नहीं हूं। जिस दिन तेरा खाटू वाला इन सब का जुगाड़ कर देगा उस दिन मैं खाटू जाऊंगा। गाड़ी वाले ने बोला बस इतनी सी बात, तू अगर पहले दिन मुझे बोल देता तो पहले दिन ही तू मेरे साथ चलता। बोला तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भिखारी नहीं हूं, तेरी भीख नहीं चाहिए। बोला अरे पगले भीख कौन दे रहा है, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ, पेट्रोल पंप पर तेल भराएंगे, पैसे लिख लेना कागज, धर्मशाला में स्लिप कटाएंगे, पैसे लिख लेना, रास्ते में खाएंगे जितने पैसे लगेंगे लिख लेना, प्रसाद लेगा उसके पैसे लिख लेना, आने में जो लगेगा पैसे लिख लेना, यहां आकर 2 भाग कर लेना, तेरे जिम्मे, तेरे हिस्से में अगर 1000 आए, 500 आए, अभी नहीं है तेरे पास देने के लिए, जिस दिन खाटू वाला दे देगा उस दिन तू 10 गुना देना, तू चाहे तो 10 गुना मुझे दे देना, लेकिन आज मेरे साथ खाटू चल।
उस झोपड़ी वाले को लगा कि शायद बाबा आज बुला रहे हैं। वो गाड़ी वाले के साथ बैठ गया, खाटू पहुंच गया। अब पता है वो मंदिर में जाकर जब बाबा को देखा उसके होश उड़ गए। मंदिर में जाकर उसने क्या मांगा पता है उसने क्या मांगा? उसने दौलत नहीं मांगी, उसने कहा बाबा तेरा ये प्रेमी मुझे लेकर आया है, मेरी औकात नहीं थी तेरे पास आने की, जितना इसका खर्चा लगे ना आना जाने का, बस जाते ही वो खर्चे का जुगाड़ करा देना ताकि मैं इसको दे पाऊं। खाटू से वापिस गया, बाबा कोई सेठ बनकर आ गया, उसको हाथ पकड़ लिया, उसको कोई काम करवा दिया। दो चार दिन के अंदर में उसको समझ में आ गया कि बाबा की कृपा हो गई। सबसे पहले जाकर उसने उसका कर्जा चुकाया। 7-8 दिन 9 दिन बीते, एक दिन रात को सोया, आधी रात को उसे लगा कि बाबा बुला रहा है। 2-2:30 बजे नींद खुल गई, वो भी खड़ा हो गया, थैले में कपड़े डाले एक जोड़ी और बोला मैं खाटू जाऊंगा। दरवाजा बंद किया, अचानक उसे पड़ोसी की याद आई। अब पड़ोसी की कुंडी नहीं थी, घंटी थी। जाकर उसने 2:30 बजे घंटी बजाई, पड़ोसी आंख मलता मलता आया, अरे क्या बात है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? तू बड़ा बाबा का भगत बनता फिरता है, जो बाबा के दरबार में जाकर आता है उसके रात को तकलीफ आती है, उसकी तकलीफ के लिए तो बाबा खड़ा होता है बगले, तो फिर रात को 2:30 बजे क्यों मेरी घंटी बजाई? तो तूने भी तो मेरी घंटी बजाई थी रात को 2:30 बजे। तो बोला बोल बता क्या बात है? खाटू चलेगा। उसने बोला अरे पागल है, हर महीने 11 को खाटू जाता हूं, अभी 10वां दिन है आज, अभी 20 दिन बाकी है। उसने कहा देख भाई मुझे नहीं मालूम, मकान वाले मुझे नहीं मालूम तेरे ऊपर कितनी कृपा हुई है, तेरे ऊपर कृपा हुई तू 30 दिन तक रह सकता है, मेरे ऊपर जो कृपा हो गई मैं 9 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, मैं तो चला खाटू। बोले भाई अभी तो कोई बस भी नहीं मिलेगी, बस तो सुबह 6 बजे मिलेगी, अभी कहां जा रहे? बोले नींद खुल गई, अब एक पल भी घर में नहीं रुकूंगा, बस 6 बजे मिलेगी ना, मैं बस के रास्ते पर पैदल जा रहा हूं, जहां बस मिलेगी वहीं पर बैठ जाऊंगा बस में, लेकिन घर में नहीं रहूंगा। खाटू पहुंच गया, और खाटू पहुंचकर जब बाबा के सीढ़ी पर पहला कदम उसने रखा, नीचे से चिल्लाते हुए उसने ऊपर कदम रखा और उसने क्या कहा? अरे दो पहलू संसार के दो रुख वाली रीत, दिन अच्छे तो सब मिले दुर्दिन मिले नमीत। समझ में आया? जिसके दिन अच्छे होते हैं ना उसको साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन जिसके दिन खराब होते हैं अपने रिश्तेदार भी उसके पराये हो जाते हैं। साथ तेरा मिले, साथ तेरा मिले लाचारी में। देखो मैं कहूंगा सारे मिलकर खड़े हो जाओ सारे, लेकिन स्टेज पर इधर में कोई नहीं आना, स्टेज पर ये इधर से खड़े हो जाओ, माताओं आप खड़े हो जाओ, मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में,
सोच के आया वापस ना जाऊंगा, दिल में ये सोच के आया तू दीना नाथ है हम तो अनाथ है, तू दीना नाथ है हम तो अनाथ है, दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है मेरी जो लाज है। ये तालियां बजाकर जय जय ऐसो तो रंगीलो चलो और नहीं देखो, ऐसो तो रंगीलो चलो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में।